एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो एदी वफा का लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट आइए देखते हैं। क्या हुआ, ये बचा कि नहीं? सही बता। आंखें बंद करो और पढ़ो।
तो कुछ और क्या करेंगे आप, हेल्प करें प्लीज। Thank you.
यू डॉक्टर, मुझे भरोसा है कि खुदा के बाद वो तुम्हारे हाथों में महफूज होगा, तुम उसे कहीं नहीं जाने दोगे। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। इस तकलीफ में भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देख के खुशी हुई है। वतन से किया हुआ ऐद वफा खूब निभाया तुमने साथ, लड़े तो तुम भी कम नहीं हो गुलजार। पहले तो सिर्फ दोस्तों को तुम्हारा नाम याद था, अब तो दुश्मनों को भी गुलजार याद है। आज तो साथ तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं। हम इसको ये बताने आए हैं कि बॉर्डर पे हर साथ के पीछे दोस्तों की पूरी फौज है। पूरी काम करिए सर, पूरी काम। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन एंड सर, गेट वेल सून, एनिमी इज मिसिंग यू। सर प्लीज, सर पेशेंट किया हमारा तो मेरा शो संभाला है ना, तुम्हारे अलावा ये और कोई नहीं कर सकता। पार्टनर, तुम्हारे बुरे काम मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा ना? बाय द वे, तुम्हारा इस तरह शो छोड़ के जाने के बाद सोशल मीडिया पे नंबर 2 पे ट्रेंडिंग कर रहे हो तुम। पहले नंबर पे कौन है? कैप्टन साहब। रियली? हां हां, खुद चेक कर लो बेशक। ऑब्वियसली यार, लोग क्यूरियस हो गए थे कि इशारे कर सकता है। तो एनीवे, बाद में मैंने अपने सोशल मीडिया से बता दिया था कि कैप्टन साहब कौन है, तुम्हारा क्या लगता है। तो शारिक विदिन मिनट्स प्रे फॉर कैप्टन साहब ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पे। यार हमारा दोस्त है इसी काबिल, तुम देखना जब मैं अपने अगले शो में ये बताऊंगा ना कि उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिए, तो पूरे मुल्क को उस पर फख्र हो। मैं अगर अपने दोस्तों में ये न्यूज ब्रेक कर लूँ तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है, बाय। भाइयों अपना सादा तो हीरो बन गया, फ्रेंड में आ रहा है। देखें माशाल्लाह यार, कितना खुशकिस्मत है सादा। हाँ भाई, वो तो दुआएं ले रहे हैं, लेकिन मैं रास्ते में आते हुए ये सोच रहा था कि अब तुझे एहतियात करनी चाहिए। मैं क्या एहतियात करूँ? नहीं सिंपल है, हम तीनों दोस्त एक एक दफा हॉस्पिटल जा चुके तो टेक्निकली चल रहे।
शर्मसार है। मेरा यहाँ आज जाने का मकसद कोई तकरीर करना नहीं था, बल्कि हम चारों दोस्त अपने इस कॉलेज को देखने आए थे जहाँ हमारा सफ़र शुरू हुआ था और जहाँ हमारे साहब ने इंसिस्ट किया कि हम आप सबके साथ अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मैं फौजी, फौजी मेरी लाइफ है और मेरा काम अपने मुल्क की सरहदों का दफा करना है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप सबकी और पूरे मुल्क की दुआएं और भरोसा मेरे साथ ना हो। कोई एक वक्त तो हम सब साथ मिलेंगे, तभी कौम और तरक्की करेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शारिक, हम दूसरे नाम का क्या कहूँ आपसे, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो करना है कीजिए, लेकिन बस सच को झूठ और झूठ को सच में तब्दील ना कीजिएगा। दूसरे की राय का भी एहतराम कीजिएगा। आप सब इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं, आप सब ने इस मुल्क को आगे जाके संभालना है, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आप खुद को संभालें। मुझे संभालने में इस कॉलेज और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये कॉलेज ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता, और अगर मेरे टीचर्स ना होते तो कहीं ना होता। मेरा नाम शहरयार है और मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा कि अगर आपको खुद पे भरोसा है तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। आप लोग जिस कॉलेज में हैं उसका एक शानदार माजी है और आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। मुझे यकीन है आगे जाकर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करके अपना, इस कॉलेज का और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। मैं अपने दोस्तों से बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत फख्र है मुझे इनसे। एक आर्मी का ऑफिसर है, एक ब्यूरोक्रेट, तो एक मीडिया का चमकता सितारा। उस आवाम का नुमाइंदा हूँ जो मुझे अपने भरोसे से इलेक्ट कराती है। मैं आज आपसे सिर्फ दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि अगर हम सब अपना फर्ज पूरी तरह निभाएं तो अपने वतन के चारों तरफ एक ऐसा मजबूत दायरा खींच सकते हैं जिसे दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी दुश्मन नहीं मिटा सकता। हमें रंग, नस्ल या मसलक जैसे बंटवारों की नहीं, या चेहरे की अशद जरूरत है। और दूसरी बात यह कि आप सब अपने करीब उन लोगों को रखें जो आपको भी इंस्पायर करें, आपको एक बेहतर इंसान बना सके। फ्रेंड्स ऑफ द फैमिली यू चूज, सो चूज वाइजली। थैंक यू। मैं बस एक बात और करना चाहता हूं। हम सब इस खूबसूरत मुल्क में रहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान, यही हमारा घर है, यही हमारा सब कुछ। और इस धरती के लिए, इस जमीन में हमारी जड़ें, इस जमीन से किया हुआ हर अहद, हर कीमत को वफा करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। जहां में अहले ईमान सूरत खुशी जौहर, वाह इधर तुम्हें चलो ठीक है, अच्छा है, मतलब बच गया, अच्छा है, चलो हैप्पी एंडिंग, गुड। लेकिन एक्चुअली हर एक एक्टर अच्छा था इसमें। चलो दूसरा एक दूसरे के लिए वही पता है कि लाइफ का टर्न्स कैसा होता है, आपस में हम झगड़ोगे भी बढ़ोगे भी, लेकिन
आपको अपने लिए अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो वो सब बहुत अच्छे से बनाया गया है ऑफकोर्स, नो डाउट। और दोस्ती तो भाई बहुत अहमियत है एक्चुअली, जो लास्ट टाइम बोली थी ना कि फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट यू चूज, चूज वाइजली, वो एक्चुअली सही है। अगर आपको अच्छा दोस्त मिल गया आपकी जिंदगी, लेकिन अगर आपको एक खराब दोस्त मिल गया ना फिर आपकी तो बैठ जाएगी। बहुत सही बोला, बहुत सही था, पर मजा आया, नाइस वन, अच्छा था, कूल। ठीक है, हम और भी देखेंगे गाइस, तब तक के लिए आई मीन नई नई सीरियल्स, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।